सो हे दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज सेट मैट्रिक्स जीरोस। अच्छी बात ये 21वां दिन भी है ब्लाइंड 75 का। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। क्वेश्चन सिंपल सा है कि हमें जहाँ भी कहीं ज़ीरो दिख रहा है ना, उसकी पूरी रो और पूरे कॉलम को ज़ीरो कर दो, ठीक है। बाकी तो मैं तुम्हें कॉपी पर समझाता हूँ, और मैंने कोड पहले ही लिख रखा है, कन्वीनियंस के लिए, टाइम वेस्ट होता है ना, क्योंकि समझाने में ही टाइम लग जाएगा बहुत सारा। तो इसको देख लो एक बार अच्छे से, और मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कॉपी पे समझ में आएगा बढ़िया। चलो चलते हैं कॉपी पे फिर। क्वेश्चन तो मैं समझ में आ गया ना, करना कैसे है? हमारा पहला अप्रोच क्या हो सकता है? देखो, मैंने यहाँ पे पहले से ही चार बना के रखे हैं, क्योंकि पता नहीं मेरे को कितने बनाने पड़ेंगे तुम्हें समझाने के लिए, है ना। और मैं तीन तरीके से करने वाला हूँ इसको, पहला तरीका बता रहा हूँ। अब तुम्हारे मन में आएगा कि जैसे यहाँ ज़ीरो है, तो इस पूरी रो को ज़ीरो कर दो, इस पूरे कॉलम को ज़ीरो कर दो, इजेंट इट, है ना। ये तुम इसमें और कुछ करने की क्या ज़रूरत है? तो देखो मेरे भाई, जब ये ज़ीरो होगा ना, तो ये भी ज़ीरो होगा, और अगर ये ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब अब जब सेकंड स्टेप हमारा चालू होगा ना यहाँ पे, तो ये बोलेगा ये ज़ीरो है, तो लो ये इसको भी गायब कर दो, ठीक है। अल्टीमेटली सब ज़ीरो होने वाला है, मगर ये तरीका गलत है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे वन हर जगह होगा, ठीक है। इमेजिन करो तीनों जगह वन था, ये ज़ीरो की वजह से सब ज़ीरो हो जाएगा क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर इनपुट हमें ये मिला है ना, तो यहाँ पे हम इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो लेट से इफ़ वी हैव एम रोज और एन कॉलम ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी स्पेस हमारा कितना हो जाएगा, एम इंटू एन का हो जाएगा, ओ ऑफ एम इंटू एन, है ना। तो करना क्या है, बेसिकली हमारी अप्रोच अच्छी है कि हम देखेंगे, अच्छा यहाँ ज़ीरो है, यहाँ पे वन था स्टार्टिंग में, है ना, यहाँ ज़ीरो था, यहाँ भी वन था स्टार्टिंग में, तो यहाँ वन है, कोई बात नहीं, हम चेक यहाँ से करेंगे और अपडेट यहाँ करेंगे, ये चीज़ देखनी है। तो वन था तो कोई दिक्कत नहीं, ज़ीरो देखा तो ठीक है, अपडेट यहाँ करूँगा, तो मैंने ये भी सारे ज़ीरो कर दिए, और इसके नीचे की ये भी सारे ज़ीरो कर दिए, ठीक है, पहले से ही ज़ीरो है, मतलब मैंने अल्टीमेटली ये आंसर आने वाला है, ठीक है। यहाँ जाके देखा ये वन है, तो इसका मतलब छेड़छाड़ नहीं करनी, सेकेंड स्टेप का यहाँ भी वन है, छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको ज़ीरो देख के पता चला, ये ज़ीरो देख के पता चला इसको ज़ीरो बनाना है, मगर अभी अभी तो ज़ीरो बनाया, तो देख रहे हो रिपीटेड काम हो रहा है, तो हम अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अच्छा तरीका तो नहीं है, क्योंकि काम रिपीट हो रहा है, और ये ज़ीरो होने की वजह से ये भी ज़ीरो बनाना पड़ा, ठीक है। एट द एंड हमारे ये भी ज़ीरो है, तो ये और ये अल्टीमेटली सारे ही ज़ीरो हो जाएंगे। एक बात समझ में आ रही है कि एम इन टू एन का क्या काम है, ठीक है। तो हम इसको बेटर कर सकते हैं, हाँ डेफिनेटली। हमारा बेटर करने का तरीका क्या होगा कि हम क्यों ना यहाँ पे ऐसा स्पेस लें कि रो और कॉलम को अपडेट यहाँ करें, मतलब रो और कॉलम में हम चेक करें कि अगर यहाँ पे हमें मिलता है कहीं ज़ीरो, तो अपडेट यहाँ हो जाए। तो दिस इज़ विल बी व्हाट एम, ये एम रोज़ हैं और ये एन कॉलम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ओ ऑफ एम प्लस एन हो जाएगा, दैट विल बी बेटर देन एम एम इन टू एन। डायरेक्ट कॉपी बनाने से अच्छा है कि सिर्फ एक एक रो, एक रो इस साइड से ले, एक इधर को रख दें। तो क्या होगा, जैसे इसने देखा वन है, कोई दिक्कत नहीं, ज़ीरो देखते ही यहाँ इसने काटा मार दिया, इसने बोला भाई यहाँ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमने देखा वन है, छेड़ो मत, ये वन है कोई दिक्कत नहीं, ये ज़ीरो है, ज़ीरो देखते ही इसने काटा मार दिया, है ना। वैसे ज़ीरो देखते ही इधर कांटा लगेगा और इधर कांटा लगेगा, ठीक है, मैं बताना भूल गया, ठीक है। डेफिनेटली ये ज़ीरो है, तो ये और ये दोनों ही जाएंगे ना, तो इधर भी काटा, इधर भी काटा, अब ये ज़ीरो दिखा तो यहाँ काटा तो है, यहाँ भी कांटा लग गया। थर्ड थिंग इज, यहाँ ज़ीरो दिखता है, ठीक है, वन पे तो कुछ नहीं कर सकता, यहाँ ज़ीरो दिखता है तो यहाँ कांटा लगाया, और इसी के सीध में, दैट इज़ दिस, तो अल्टीमेटली तुम्हें पता है सारे के सारे जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि हमारे रोज जो हैं वो इसको ज़ीरो बनाने वाली हैं, है ना। तो आंसर तो वही आएगा, मगर हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम कर दी ना, क्या इससे भी बेटर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं इन प्लेस करना। ये तुम अलग से क्यों बना रहे हो, मैं खुद से पूछता हूँ भाई कि मैं ये अलग से क्यों बना रहा हूँ, क्यों ना इसी को बना लिया जाए, समझना। मैं थोड़ा दूसरा पेन लाता हूँ, देखते हैं क्या ये चलता है, नहीं चलता ब्रो, इसी से समझाना पड़ेगा। देखो हम बोल रहे हैं ये फालतू में कोने कोने में क्यों डाल रहा, इसी को लगा लो ना, इसी को लगा लो, क्या दिक्कत है, लो। हमें ये क्या था, एक तरह का पॉइंटर जैसा था ना, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ये चेक कर रहा था कि हमें अपडेट करना है कि नहीं करना, तो हम अंदर ही अपडेट कर लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब बोलोगे दिक्कत तो कोई नहीं है, मगर भैया ये दिक्कत आ रही है कि तुम इसको डबल वायर क्यों गिन रहे हो,
मैंने बोला बात तो तेरी भी सही है भाई, तो हम क्या करते हैं इसको तो पूरा ले लेते हैं, इसके सिर्फ दो ही लेते हैं, बात मानते हो? तुम बोलोगी अगर रो अपडेट करनी होगी तो, मान लो इस साइड से रो अपडेट करनी हो, चलो कॉलम का तो ठीक है ये तीनों हो गया, इस साइड से रो अपडेट करनी हो, मैंने बोला बुरा मत मान भाई, यहाँ ले लेते हैं एक अलग से, फॉर दिस 0 0 पे अलग से ले लेते हैं, कॉलम का तो हो गया हमारा, ठीक है ये कॉलम है ना, कॉलम का तो हो गया हमारा, बस इस साइड रो के लिए मेरे को अलग से लेना पड़ा, चलो एक और डब्बा बनाना पड़ेगा, ठीक है मुझे लग ही रहा था डब्बे कम पड़ रहा था, ठीक है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि मैंने क्या 1 2 3 सही बनाया, हाँ सही बनाया, तो एक तो हमारा ये हो गया दैट इज़ दिस कॉलम, दैट इज़ दिस कॉलम, दैट इज़ दिस कॉलम, ठीक है तो कॉलम की चेकिंग के लिए हमने क्या करा, इन प्लेस कर दिया इस डब्बे को, ये जो एन वाला डब्बा था इन प्लेस कर दिया, और रो की चेकिंग के लिए क्या करा मैंने, देखो मैं कहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ है ना, ये दो दो जो है ना, यानी एक कम टोटल नंबर ऑफ रोज़ अगर एन है तो एन माइनस वन हम मैंने इसको इन प्लेस कर दिया इस डब्बे को, बचा ये वाला आखिरी वाला तो मैंने इसको अलग से मान लिया। इनिशियली हम क्या करेंगे इसको मतलब रो ज़ीरो बोल देते हैं, ठीक है मैं कोड कर दिखाऊंगा तो इनिशियली इसको फॉल्स रख दूंगा, फिर क्या होगा मतलब देखो कंडीशन दिख जाएगी तुम्हें, तो अब क्या होगा जब भी वैल्यूज़ हमारी, हम इनिशियली क्या करेंगे पहले इनिशियलाइज़ कर देंगे, ठीक है और फिर जहाँ जहाँ पे हमें ज़ीरो दिख रहा है ना इन प्लेसेस में, जहाँ जहाँ ज़ीरो दिख रहा है हम उसके ऊपर वाले को ज़ीरो से पुट कर देंगे, ठीक है मान लो यहाँ कहीं दिखा तो ये ज़ीरो पुट कर दिया, ये ज़ीरो पुट कर दिया, ठीक है लेट से मेरे को यहाँ ज़ीरो कहीं दिखा था तो मैंने, तुम्हें पता है अल्टीमेटली यहाँ ज़ीरो आने ही वाला है, एक और छोटा सा दोबारा बोलता हूँ ठीक है, क्या पता तुम्हें समझ ना आया, मान लो मैंने यहाँ ज़ीरो देखा तो ये क्या करेगा भाई ऊपर ज़ीरो कर देगा, अल्टीमेटली ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो ज़ीरो होने वाला है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, है ना, मगर हमें पता है कि अगर हम इसको इनिशियली ज़ीरो कर देंगे, इसको ज़ीरो सेट कर देंगे फिर इसको भी ज़ीरो सेट कर देंगे, ठीक है ऐसा करा, अब क्या होगा अब जहाँ जहाँ मेरे को ये दिख रहे हैं ना, जैसे कांटा दिखा था, कांटा मतलब ऐसे ही बूलियन मान लो ट्रू फॉल्स वगैरह, जहाँ जहाँ ज़ीरो वैल्यू दिख गई ना वो पूरे एरिया को अटैक करके सब ज़ीरो कर दो रो कॉलम में, ठीक है बचा ऊपर का सिस्टम, बचा ऊपर का सिस्टम तो उसमें क्या करें, तो देखो ऊपर में जहाँ जहाँ वैल्यू दिखेगी मैं तुम्हें कोड से समझाता हूँ, ठीक है मुझे लग रहा है कि कोड दिखाना ज़रूरी है तुम्हें, तो अगर कोड आसपास कहीं दिख रहा है तुम्हें तो देखो मैंने क्या करा इसमें, मैं कोड दिखा के ही बता रहा हूँ है ना, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या आर और सी ले लिए, आर और सी फॉर रो और कॉलम, ठीक है इनिशियलाइज हमने रो और कॉलम को क्या कर दिया, लेंथ दे दी कि जितनी वो होता है ना एम, मान लो एम लेंथ है मतलब जिस प्रकार से हमें लिस्ट इनपुट दे रखे हैं है ना, तो रो को मिल गई लेंथ ऑफ एम, एम क्या लिया मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स अच्छा, अरे अरे एक अच्छी बात बताना भूल गया, ये सिर्फ एक डब्बा ही तो ले रहा हूँ मैं, देखो हमने क्या कर दिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले ये थी ना, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये थी ना, ओ ऑफ वन बन गई, एक कॉन्स्टेंट डब्बा हमारा, क्योंकि बाकी तो अंदर ही काम चल रहा है ना, तो कितना स्पेस रिड्यूस कर दिया है हमने, था ना ये एफिशिएंट सॉल्यूशन, इसको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है तो इनिशियली क्या करा हमने, तुम उस पर देखो इनिशियली क्या करा कि आई का रेंज चलाया हमने रो के लिए, जे का लूप चलाया हमने कॉलम के लिए, और क्या करा अगर आई और जे कहीं भी मैट्रिक्स से जीरो निकलते हैं, ठीक है इफ़ कंडीशन से चेक कर रहे हैं, अगर मैट्रिक्स के आई जे जीरो निकलते हैं तो क्या कर दो उसका, रो तो हमारा ज़ीरो है, कॉलम हमारी है, कॉलम तो ये है ना, ये ज़ीरोथ रो पे कॉलम उसका क्या कर दो ज़ीरो कर दो, जैसे मेरे को यहाँ दिखा ज़ीरो तो मैंने क्या करा इसको ज़ीरो अपडेट कर दिया, क्या सिर्फ इसको ज़ीरो अपडेट करना है, नहीं इसको भी तो ज़ीरो अपडेट करना है, तो वही करते हैं, तो सेकंड स्टेप हमने क्या करा कि अगर हमारा आई ज़ीरो से बड़ा है, ऐसा केस क्यों करा भाई रो के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे आई ज़ीरो जो है रो के लिए आठ ज़ीरो आ जाता है, तो इसके लिए तो मैंने एक्स्ट्रा मेमोरी ले रखी है, तो मैं चाहता हूँ कि इतने का ही हो काम, तो अगर आई ज़ीरो से बड़ा है तो इसका मतलब हम मेरे को सारी रो अपडेट कर देनी है, मतलब सारी मतलब वही पर्टिकुलर रो, तो ये वाली रो अपडेट कर दो अगर यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है तो, मान लो अगर यहाँ ज़ीरो आ रहा है तो तब ये नहीं करना भाई, तो उसके लिए मैंने एल्स केस में क्या रखा है कि आर ज़ीरो को ट्रू कर दो, यही रखा है अगर तुम देख पा रहे हो तो, है ना, तो ये वाला एल्स केस समझ में आया, तो इससे क्या होगा हमारी इन प्लेस जो हमने बना रखा है सिस्टम, और यहाँ कॉन्स्टेंट को भी हमने ट्रू कर दिया, अगर यहाँ पे ज़ीरो था स्टार्टिंग में, यहाँ था तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये आर तो ज़ीरो से बड़ा है ना। सेकेंड केस आता है जो पहले काम हो गया हमने
इनको वैल्यूज फिक्स कर दी, जिसको जीरो बनाना चाहिए तो बना दिया। सेकंड काम है कि सेट वो रो कॉलम जीरो इफ़ इन प्लेस इज़ जीरो। अब मान लो यहाँ जीरो है तो ये पूरा का पूरा कॉलम उड़ा दो, जीरो कर दो ये, और ये वाला पूरा कॉलम जीरो कर दो, है ना। तो इसके लिए मैंने क्या करा, रेंज आई का लूप चलाया इसके लिए, रो के लिए, जे का लूप चलाया कॉलम के लिए, ठीक है। फिर रो हमारी जीरो रहेगी, कॉलम हमारा चेंज होता रहेगा, दैट इज दिस। अगर ये जीरो है या फिर कॉलम हमारा वही रहेगा, और ये इनमें से कोई भी अगर जीरो आता है ना, तो उस पर्टिकुलर जगह पे आई जे जो है वो जीरो हो जाना चाहिए। समझ में? मतलब अगर मेरे को एक भी पकड़ा गया, ये जीरो पकड़ा गया ना, तो मैं ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह जीरो कर दूंगा, है ना, अगर हमें कहीं ज़ीरो मिलता है तो। और ये काम किसके लिए कर रहा हूँ मैं, ये जानना ज़रूरी है, इस एरिया के लिए। मैं इन जहाँ इन प्लेसेस की वैल्यू डाल रखी है उसको छोड़ रहा हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि उसमें आता हूँ मैं ज़ीरो थ्रो। देखो डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाते हैं भाई मेरे, ठीक है, एक बार और बनाना पड़ गया। तीन है। अब देखो ये ना भाई, ये अलग चीज़ है, इस क्वेश्चन के ना अच्छे अच्छे पार्ट हैं, ठीक है। कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तीन या चार, एक दो तीन चार पार्ट हैं, ठीक है। इसको अलग से दिखाता हूँ, फिलहाल मैंने यहाँ चेक मारा, और ज़रूरी नहीं है तुम बोलोगे ये 3x3 का क्यों दिखा रहा है ना, बड़े का भी केस हो सकता है, तो फिर सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये सारा का सारा हमारा क्या है, चेंज हो गया जो भी मैंने लूप चलाया यहाँ पे, ठीक है। तो पहला काम क्या करा, उन वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दिया, अगर इन पर्टिकुलर जगह पे ज़ीरो कहीं आ रहा है तो। सेकंड लूप चलेगा सेटिंग जीरोथ कॉलम ज़ीरो, ये हमारे कॉलम है। अब हमें ज़ीरोथ कॉलम यानी यहाँ पे इसको ज़ीरो बनाया, तो हमने क्या करा, कॉलम फिक्स रख दिया दैट इज़ ज़ीरो, और ये आई है तो आई चेंज होता रहता है, तो इसको हमने ज़ीरो बनाया। क्यों? अगर हमारा ये वाला ज़ीरो निकला तो, ये जीरो निकलेगा तो इसको बनाएंगे ना। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से ही बताता आया हूँ कि ये वाला जो डब्बा है ये पर्टिकुलरली कॉलम के लिए था, रो के लिए तो ये वाला था, आर जीरो मैंने अलग से बनाया था। तो अब क्या करेंगे, अगर ये जीरो निकला तो हम ये पूरी कॉलम को ज़ीरो बना देंगे, एल्स। अब देखो हमने क्या करा, एक बीच में केस लाया था ट्रू वाला, आर जीरो को ट्रू कर देंगे एल्स पे, है ना, जब हमने इन प्लेस करे थे ज़ीरो। तो अगर वो ट्रू निकला ना, तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो रो पे कॉलम बदलते रहेंगे और ये सब हमारा ज़ीरो हो जाएगा। उफ, मेरी तरफ से इतना ही, ठीक है, तुम्हें समझ में आया हो, चलो पूछ लेना, मैंने बढ़िया से कोशिश करी है, मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं हूँ केशव, आप देख रहे हैं, टेक केयर, चलो बाय।